हेलो गाइस, मेरा नाम है क्रोवॉइड और आज मैं बताने जा रहा हूँ पिस्टन रोड्स कैसे बनाते हैं। तो आज मैं दो तरीके के पिस्टन रोड सिखाऊंगा। एक है 3x2 पिस्टन रोड और एक है 2x2 स्पाइरल पिस्टन रोड। तो ये दोनों ही दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। काम कैसे करता है ये देखिए, ये है 3x2 पिस्टन रोड। इस पे हम लोग जाएंगे, ये ऐसे खुल जाएगा और हम लोग यहाँ से पास थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, एक है, दूसरा है आपका 2x2 स्पाइरल पिस्टन डोर। इसमें क्या करना है, आपको बटन दबाना है, ये स्पाइरल की तरह खुलेगा और वापस बंद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 3x2 पिस्टन डोर। तो 3x2 पिस्टन डोर्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको एक कोई भी टाइप का ब्लॉक चाहिए, एक आपको रिपीटर चाहिए, एक रेडस्टोन टॉर्च चाहिए, रेडस्टोन कंपैरेटर चाहिए, प्रेशर प्लेट, आपको स्टिकी पिस्टन चाहिए और रेडस्टोन डस्ट चाहिए। इन सब चीजों से आपका ये रेडी हो जाएगा। और इसमें आपका ये भी है कि आप डिले भी डाल सकते हो, जितना डिले चाहिए आपको बंद होने में। नॉर्मल पिस्टन डोर जब बंद होते हैं तो वो बहुत जल्दी बंद होते हैं और बहुत जल्दी खुलते हैं, तो बहुत जल्दी पास थ्रू होना पड़ता है हम लोग, नहीं तो हम लोग डिले डाल सकते हैं कितना का डालना है। जल्दी खुलेगा लेकिन आप कितना देर तक उसको रखना चाहते हो खुला। जैसे ये जल्दी खुला है लेकिन बहुत देर तक खुला हुआ है, इसमें ये अंतर है। इसमें हम थोड़े कंपैरेटर्स का यूज किए, रेडस्टोन कंपैरेटर्स का, ये डिले देने में बहुत अच्छा है। 3x2 वाले के लिए काम करने के लिए हम लोग पहले एक ऊपर का बेस बना लेंगे, 3x2 ये, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अपना पिस्टन। तीन तरह से पिस्टन लगा देना है, फिर हम लोग को गैप लेना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये यहाँ पे, ये और ये। अभी यहाँ पे हमारा पिस्टन होगा तो हमें और लंबा खींचना है इसको और हमें यहाँ पिस्टन लगा देना, यहाँ ब्लॉक लगाना है, हमें यहाँ एक ब्लॉक लगाना है, यहाँ एक ब्लॉक लगाना है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है। फिर यहाँ से ये ब्लॉक तोड़ दीजिए और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दीजिए। अब यहाँ से रेडस्टोन डस्ट लेंगे, रेडस्टोन डस्ट लगा देंगे और नीचे में और एक रेडस्टोन डस्ट लगा देंगे। ये हो गया आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से नीचे आएंगे, यहाँ यहाँ देंगे हम लोग अपना पावर। यहाँ एक एक का गैप छोड़ के हम लोग को रेडस्टोन डस्ट लगा, रेडस्टोन टॉर्च लगा देना है। रेडस्टोन टॉर्च लगाने का ऐसे हो जाएगा बंद। तो अब इसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म बना लीजिए, यहाँ पे आपका प्रेशर प्लेट्स डाले जाएंगे और बाकी जो कुछ डालना है वो डाल सकते हो आप। ये हमारा बन गया प्लेटफॉर्म। अब हमें क्या करना है, हमें आपको जहाँ मर्जी है जहाँ लगाना है, आप यहाँ लगा सकते हो, आप यहाँ लगा सकते हो, या आप यहाँ एकदम दूर में लगा सकते हो। तो यहाँ लगाते हैं, आप प्रेशर प्लेट्स भी लगा सकते हैं, आप बटन्स भी लगा सकते हो, आप लीवर्स भी लगा सकते हो। तो अभी मैं प्रेशर प्लेट का बता देता हूँ। तो प्रेशर प्लेट यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे ब्लॉक लगा देंगे। फिर इस ब्लॉक को हम लोग को क्या करना है, यहाँ एक ब्लॉक लगाना है, यहाँ लगाना है और फिर इसको यहाँ से लेकर आना है। फिर यहाँ पे भी इस साइड भी दो प्रेशर प्लेट लगा देते हैं, यहाँ और यहाँ, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा रेड रेड डस्ट आएगा जो है। तो यहाँ से इसको भी यहाँ से पावर कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो है रेडस्टोन डस्ट, रेडस्टोन टॉर्च, यहाँ से हम लोग को ब्लॉक लाना है इधर, और यहाँ पे दो लाना है, यहाँ पे दो लाना है,
और सेम चीज यहां भी कर देना तो आप किसी भी ब्लॉक से यूज कर सकते हो। मैं आयरन ब्लॉक यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी भी ब्लॉक से कर सकते हो। अभी आपको रेडस्टोन डस्ट लाना है, यहाँ से लाना है, फिर आपको यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट रिपीटर लगाना है। यहाँ भी आप रिपीटर लगाओगे, फिर आप यहाँ भी लगा दोगे। इसको एक एक टिक कर देना, टिक करने का जरूरत नहीं इसको। फिर आपको यहाँ से इसको लेकर आना है, यहाँ पे चढ़ा दीजिए, फिर यहाँ पे लेकर आइए, हो गया। फिर इसको हटा के रिपीटर यहाँ पे लगा देना, और इसको हटा के इधर रिपीटर इधर फेस करने चाहिए। तारे जो आएंगे यहाँ से इधर अंदर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उल्टा लगा दे और यहाँ से लूप हो रहा हो, तो आपका दरवाजा फिर अच्छी तरह नहीं खुलेगा। आपका दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम आएगा आपका दरवाजा बंद करने में। आपका दरवाजा बंद करते समय लेफ्ट साइड से अगर आप प्रेशर प्लेट दबा रहे हो तो लेफ्ट साइड का देर से बंद होगा राइट साइड कंपैरिजन पर। तो आपको यहाँ पे एक ऐसे करके लगाना है, ठीक है, एक मतलब इस तरफ फेसिंग करते हुए कंपैरेटर लगाना है। फिर आपको रिवर्स उल्टा आना है और यहाँ पे दो लगा देना है, और यहाँ से रेडस्टोन डस्ट लगा देना है। फिर सेम हमें यहाँ पे ये यही करना है, यहाँ पे ये लगाना है हमें, यहाँ पे उल्टा लगा देना है और रेडस्टोन डस्ट लेना है, और रेडस्टोन डस्ट से इसको निकाल देना है। तो अब ये करेगा क्या, अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे अभी मैंने बंद नहीं किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आएगा, ये बंद हो जाता है, फिर ये सब रिट्रैक्ट कर लेता है, इस जो ब्लॉक से ये अंदर खींच लेता है स्टिकी पिस्टन। तो अभी दूसरे वाले डोर पे काम करते हैं, हमारा 2x2 स्पायरल डोर। स्पायरल डोर कैसे खुलते हैं, तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे। हमें इसके लिए सेम मटेरियल चाहिए, बस इसमें हम लोग यूज करेंगे ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ये वन टिक पल्स देता है। इसका वन टिक पल्स क्या करता है कि हम लोग यहाँ पे एक ये रख देते हैं, यहाँ टाइप फेस करते हुए। तो इसके साथ अगर हम कोई ब्लॉक लगाएंगे और इसमें कोई हम ब्लॉक अपडेट करते हैं, इसका फेस डिटेक्ट करता है ब्लॉक्स को यहाँ से, तो ये क्या करेगा, वन टिक पल्स में ये छोड़ देता है बाहर, ये रिट्रैक्ट नहीं करता। तो हम हमेशा इसको ऑन करने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। ये ऑब्जर्वर्स बहुत अच्छी चीज़ है गेम में। ये देखिए हर चीज़ में अपडेट करेंगे ये बंद होता रहेगा। तो इसमें हम लोग ये एक चीज और अच्छा है इसमें, ये रेड स्टोन को भी डिटेक्ट करता है। तो जैसे रेड स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हाँ अगर हम इसको पावर करेंगे तो ये जाके वो डिटेक्ट कर लेगा, इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये डिटेक्ट कर लेगा, तो ये रेड स्टोन को भी डिटेक्ट करता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तो हम लोग ऊपर उठा देंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग को 2x2 इसमें डोर बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एक इसको यहाँ नीचे की तरफ खींचेगा, तो नीचे की तरफ हम लोग एक पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पे एक पिस्टन लगेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो ब्लॉक लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वर लगा देंगे। तो ये ऑब्जर्वर क्या करेगा कि अगर यहाँ पे अपडेट होता है तो ये ऐसे नीचे खींच देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं सेम चीज बाकी तीनों के साथ करना है। तो अभी क्या क्या है, जो लेफ्ट वाले साइड में जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है उसका पिस्टन, और ये जो है ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड फेस कर रहे हैं, और जो राइट साइड वाला ब्लॉक है उसके पिस्टन राइट साइड दोनों फेस कर रहे हैं। तो इस वाले पिस्टन को एक ब्लॉक छोड़ के लगाना है, क्योंकि यहाँ से ये सिग्नल देता है, एक पल्स का सिग्नल देता है, वन टिक पल्स सिग्नल देता है। तो ये वन टिक पल्स ये इसको एक्टिवेट करेगा, तो ये नीचे जाके एक्सटेंड होगा और इस ब्लॉक को पकड़ के ये ऊपर खींच देगा। तो अब हमें इन सब को पावर करना है, तो इन सब को पावर करने के लिए हम लोग को यहाँ एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा।
यहाँ पे हमें एक ये लगा देना है। अभी इसमें जो चेंजेस होगा इसको आप एकदम टेंशन मत लीजिए, वो बाद में हम लोग वापस फिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ से ये निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से एक ब्लॉक लेंगे, ये यहाँ से 3 निकाल लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से एक निकाल दीजिए। और हाँ, एक और चीज, यहाँ से एक बार प्लेटफॉर्म आप बना लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना का गैप रखना है। तो यहाँ पे हम लोग ने बटन लगा दिया, तो ये बटन क्या करेगा, हम लोग जब इस बटन को दबाएंगे तो एक एक करके यहाँ ऊपर से पिस्टन स्टार्ट होगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग टिक्स लगा के, लेकिन मैं यहाँ वाला बता देता हूँ। जैसे मैंने वहां पे किया था, ये वाला पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये वाला नीचे जाएगा, फिर ये वाला आपका और लेफ्ट साइड निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका ये दरवाजा खुल जाएगा, फिर आपका दरवाजा ये बंद हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले यहाँ आना है। एक क्रिएटिव मोड, हाँ कहाँ थे हम, यहाँ आना है। तो ब्लॉक लेना है, एक ब्लॉक लगा दीजिए, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ से आप इस पे, इसमें रेडस्टोन लगाने के बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ नीचे आना है, यहाँ से निकालना है इसको। फिर हम यहाँ पे ब्लॉक लगा देंगे, 3 3x3 का ब्लॉक लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि कितना देर तक हम लोग का पावर एक्सटेंड रहेगा। तो हमें यहाँ पे एक लगा देना है और यहाँ पे 2 लगा देना, जैसे हम लोग ने वहाँ लगाया था। अभी इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं कनेक्ट। अभी इस कनेक्ट करने के बाद हम लोग इसको लेकर आएंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग ने कर दिया इसको कनेक्ट। तो अब हमें यहाँ आना है और यहाँ ऊपर में एक रेड स्टोन टॉर्च लगा देना है, और हमें यहाँ से इसको इधर लेकर आना है। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2 रिपीटर्स, 1 2, पहले वाले को हम लोग देंगे 4 टिक पे और दूसरे वाले को देंगे हम लोग 1 टिक पे। तो हम लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी लगाएंगे हम लोग एक रिपीटर जो होगा 4 टिक पे, और यहाँ भी लगाएंगे 4 टिक पर, और यहाँ से हम लोग रेड स्टोन पास थ्रू कर देंगे। तो अब होगा क्या, जब हम लोग इसको पावर करेंगे तो यहाँ से ये पावर होगा, यहाँ से ये पावर होने के बाद यहाँ पे ये पावर होगा, ये पावर होने के बाद ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे खींच देगा और ये रेड स्टोन डस्ट, ये रेड स्टोन टॉर्च जो है ये आपका बुझ जाएगा। तो इसको फिर यहाँ पे और एक लगाएंगे हम लोग रेड स्टोन डस्ट, रेड स्टोन टॉर्च। ये रेडस्टोन टॉर्च लगाने के बाद हम लोग इसको करेंगे लंबा और यहाँ से एक रिपीटर लगा देंगे, जो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर कोई भी सिग्नल आता है ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर देगा, नहीं तो छोड़ देगा। तो ये हम लोग का एक एक साइड का हो गया पूरा। अभी हम लोग सेम चीज करेंगे दूसरे साइड पे। तो दूसरे साइड पे करने के लिए हम लोग पहले यहाँ से इसको भर देते हैं। तो अभी मेन है कि यहाँ से यहाँ पे ये लगा देना है, यहाँ से 2 ब्लॉक नीचे कर दीजिए, यहाँ पे एक रेडस्टोन से लगा दीजिए, ये बुझ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है इसको और इसको यहाँ जाके कनेक्ट कर देना। फिर हम इसको, हमें इसको 4 टिक डिले देना है। ये दूसरी बार खुलेगा, ये ज़्यादा देर तक रहेगा। तो अभी हम लोग टेस्ट ट्राई कर सकते हैं इसको, इसको बंद कर देते हैं, इसको दबाते हैं, ये आपका खुल गया, ठीक है। तो अब इसको गैप को बंद कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए आपका, ये आपका काम करने लग गया।
तो ये सेम चीज हम लोग वहां दूसरी जगह करना है। हो गया, ये आपका 2x2 स्पायरल डोर बन चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं बहुत ही जल्द और नए वीडियोस लेकर आऊँगा रेडस्टोन के बारे में, रेडस्टोन के मैकेनिज्म्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, और नए नए चीज़ें मैं बनाऊँगा। आपके पास अगर कोई रेडस्टोन आइडिया है तो आप मुझे कमेंट्स पर दे सकते हैं। बाय बाय गाइस।